हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चल रहे हैं भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के घर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, तो इस वीडियो पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं बताऊँगा कि उनका घर कहाँ पर है और उनका घर का जो रूट भी मैं दिखाऊँगा। और यहाँ से तकरीबन मैं चलूँगा 52 किलोमीटर जा करके उनका घर जो पड़ता है रसूलपुर पड़ता है, ठीक है? तो रसूलपुर हम लोग चलेंगे और हम और वहाँ पे है मेरा दोस्त विकास। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Video mobile. Hard eye. Yeah. यहाँ से धनाड़ी के लिए हमें निकलना होगा साइड से, और ये जो है मार्केट, इसका नाम है रसूलपुर। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं खेसारी लाल यादव जी के घर, और यहाँ पे जो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के घर, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा पीछे। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला यहीं उनका घर है, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है खेसारी लाल यादव का घर। और ये चीज़ मैं बैक कैमरा को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और फिर इसके बाद मैं आपको उनका जो एक इधर साइड में बताने वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो थोड़ा सा मैं बैक कैमरा को ओपन कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ इनका घर, ठीक है? सो दोस्तों, मैंने बैक कैमरा को ओपन कर दिया है, और ये सामने आप लोग देख लीजिए, यहीं है खेसारी लाल यादव जी का घर, ठीक है? और ऊपर देखिए क्या लिखा है, श्री मंगरू यादव मेघनाथ यादव, जो उनके पापा जी और चाचा जी का नाम है, ठीक है? ऊपर नीचे लिखा गया है खेसारी ब्यास, ठीक है? और ये लुक है कुछ उनके घर का, ठीक है? और इसके बाद मैं उनके नया वाला घर का ब्लॉग बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक साइकिल लगा हुआ है, और एक जो घर है इनका ठीक इनके सामने यहाँ पर भी है, ये वाला भी उन्हीं का घर है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ये भी उन्हीं का घर है, ठीक है? और अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, सब लोग शायद खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं, और वो जो है उनके पिताजी वो नए वाले घर पे रहते हैं, तो वहाँ पे मैं जब वो ब्लॉग बनाऊँगा तो उनसे मिलवा दूँगा आप लोगों को। तो यहीं है, और इनका जो घर पड़ता है ये रसूलपुर पड़ता है, रसूलपुर से थोड़ा सा, रसूलपुर मार्केट से आपको राइट आना होगा, ठीक है? और धानाडीह नाम का गाँव है, ठीक है? इस गाँव का नाम धानाडीह है, और यहीं घर है उनका। और ये आप लोग देख लीजिए, ये कुछ लुक है, और वो जो सामने एक बाइक दिख रहा है ना, वो है उनका बथान, वहाँ पे चलेंगे, और वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जहाँ पे खेसारी लाल का पुराना वाला बाइक वहीं पे लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से लुक है इनके घर का, ठीक है? और फिर चलते हैं अब वहाँ पे।
और वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आपको पास में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यही घर है, हालांकि वो जब आते होंगे तो पूरा भीड़ लग जाता होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये उनके घर का जो है पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं हम वहाँ सामने। तो दोस्तों आ चुके हैं उनके जो आज उनका जो बथाने यहाँ पे उनके चाचा जी भी रहते हैं, ठीक है। तो ये है उनके बथान का कुछ लुक, ठीक है। और उनका जो पुराना वाला मोटरसाइकिल है जिसका यूज़ करते थे वो, जिससे वो लोग कहीं भी सिंगिंग करने के लिए जाते थे, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अपाची लगा हुआ है और इधर गाय वगैरह सब चीज़। तो ये है उनका, ये उन्हीं का है, ठीक है। और अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, भी उनके चाचा जी रहते तो थोड़ा सा उनसे बात बात किया जाता है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे कि मैं उनसे बात करूँ। मैंने पूछा घर पे तो वो लोग बता रहे हैं वो खेत में गए हैं, ठीक है। और बारिश का भी पूरा मौसम हुआ है, इसलिए जाना पड़ेगा हम लोग को भी, और बाइक भी ख़राब हो चुका है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये है उनकी बाइक, ठीक है, जिससे वो सफ़र करते थे और वो कहीं भी सिंगिंग करने के लिए जाते थे। देख लीजिए ध्यान से, स्कॉट का बहुत पुराना मॉडल, यही बाइक है जिससे वो जाते थे सिंगिंग करने के लिए अलग अलग जगह पे, और आज तो सुपरस्टार हैं। तो यही लुक है खेसारी लाल यादव का, जो आपको मैं घर भी दिखा दिया, और ये जो है बथान है, ठीक है। और मौसम देख लीजिए कितना गजब का हुआ है, बारिश आ जाएगा तो हो जाएगा छुट्टी। तो ये सब चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता रहा हूँ। तो और चैनल पर नए होते यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह का ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगे। और ये जो ट्रैक्टर लगी हुई है ये उन्हीं की है, ठीक है। ये स्वराज यहाँ पे लगी हुई है। बाकी आप लोग सामने से भी देख लीजिए, उनकी जो इनोवा कार है ना यहीं पे लगी रहती थी, अभी वो नए वाले घर में है, ठीक है। जो नया वाला घर बन रहा है वहाँ पे लगी हुई है कार। और ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बारिश भी आ गया और हम लोग चलेंगे अभी घर। और तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।